नमस्कार मित्रों, मैं देवमणि तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें पढ़ना है यहां पर, और आपने देखा होगा कि मैं क्या पढ़ाता हूं, आपको पता भी है कि मैं हिंदी पढ़ाता हूं, और हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, हिंदी में उस टॉपिक को पढ़ना है जो टॉपिक हमें लेखकालिक परीक्षा के अंतर्गत पूछे जाते हैं। ऐसे टॉपिक्स हिंदी के अंतर्गत व्याकरण के, लेखन के, इतिहास के, उन समस्त टॉपिकों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे दोस्तों, जो लेखपाल की परीक्षा के अंतर्गत पूछे जाते हैं। व्याकरण का सबसे पहला हिस्सा जो हम पढ़ेंगे दोस्तों वो है वर्ण। व्याकरण का सबसे पहला हिस्सा पढ़ेंगे जो है वर्ण। दोस्तों, पढ़ना क्या हमको हिंदी, अगर देखा जाए तो हिंदी क्या है दोस्तों, हिंदी एक भाषा है जो विचारों के आदान प्रदान का साधन है। अर्थात जब हमारे अंदर उत्पन्न विचारों को दूसरे तक प्रेषित करना होता है तो हम भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा कोई भी हो सकती है, किसी भी तरह ध्वनियों का जो संकलन समूह है, व्यवस्थित समूह है, वो भाषा बन जाता है। तो विचारों के आदान प्रदान करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर यही बनता है। जब उसे उसके मन में विचार आते हैं तो उन विचारों को वाक्य के रूप में निर्माण करता है। इन वाक्यों का निर्माण वह शब्दों के समूह से बनाता है, और शब्दों का निर्माण वर्णों से होता है। तो अगर हम देखें तो भाषा का जो प्रतिमान स्थापित होता है, यानी भाषा का जो रूप आके खड़ा होता है, वो इन तीन जगहों पर आकर खड़ा होता है। सबसे पहला, यानी भाषा की सबसे बड़ी इकाई जो सबसे ऊपर है वह वाक्, और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, जो कि सबसे नीचे है। तो आप इस दशा में कह सकते हैं कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है वाक्य, और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है वर्ण। भाषा क्या है, विचारों के आदान प्रदान का साधन है। इस वर्ण को हिंदी भाषा में दो भागों में बांटा गया है। एक आपका स्वर और दूसरा आपका व्यंजन। इन स्वर और व्यंजन को, अब दोस्तों बात यह आती, जैसा मैं हमेशा कहता रहता हूं कि शब्द अपने बारे में स्वतः बता देता है। शब्द की हम प्रकृति प्रत्यय की व्युत्पत्ति कर लें तो हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती, हम शब्द को तुरंत पहचान जा सकते हैं। अब अगर आप स्वर देखें तो स्वर शब्द बना है स्वा और रा से। स्वा का अर्थ होता है अपना, और रा का अर्थ होता है ध्वनि। अर्थात ऐसे वर्ण, ऐसी ध्वनियाँ जिसके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वे ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं दोस्तों, स्वर ध्वनियाँ कहलाती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि स्वर ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण स्वतः होता है, स्वयं ये काम कर लेती हैं, अपना उच्चारण स्वयं करवा लेती हैं। इन्हें किसी और से सहायता नहीं लेनी पड़ती है अपना काम करने के लिए, इन्हें और से सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है अपना काम पूरा करने के लिए, या अपना काम पूरा कर लेती हैं, अतः इनका उच्चारण स्वतः हो सकता है। लेकिन वहीं पर दूसरी ध्वनियाँ हैं व्यंजन ध्वनियाँ, इन ध्वनियों के उच्चारण में हमें अन्य ध्वनि की सहायता लेनी पड़ती है, हमें इन ध्वनियों के उच्चारण में अन्य ध्वनि की सहायता लेनी पड़ती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऐसी ध्वनि जिसके उच्चारण में स्वर की सहायता से स्वर सहायता लेनी पड़ती है, वे व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं। अब दोस्तों बात यह है कि यहाँ पर स्वरों की ही सहायता क्यों लेनी पड़ती है, किसी और की सहायता क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि दोस्तों वर्ण समुदाय में केवल दो ही हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर को व्यंजनों की कोई सहायता नहीं लेनी पड़ती है, लेकिन वहीं व्यंजनों को उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तीसरा यहाँ है ही नहीं, इसलिए तीसरे का यहाँ पर कोई योग नहीं। तो बात दोनों की स्पष्ट हो गई होगी दोस्तों आपको, ईश्वर ऐसी ध्वनि जिसके उच्चारण में हमें किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वे ध्वनियाँ स्वर कहलाती हैं। और वहीं पर व्यंजन, यानी ऐसी ध्वनि जिसके उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वे क्या हैं, व्यंजन ध्वनियाँ हैं। अब दोस्तों बात यह आती है, अगर हम यह देखें कि स्वरों की संख्या कुल कितनी, सबसे पहला प्रश्न आकर यही खड़ा होता है कि स्वर की कितनी संख्या मानी जाए, 11 माने, 13 माने, 15 माने, कितनी माने। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि सर्वप्रथम संस्कृत भाषा को सुव्यवस्थित भाषा होने का दर्जा प्राप्त होता है, और यह दर्जा प्राप्त किसने कराया, महर्षि पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में। उस अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की सहायता से ही संस्कृत को यह गौरव मिला है। तो कहते हैं जो अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ है, उस ग्रंथ की रचना महर्षि पाणिनि ने की, और उस ग्रंथ की रचना करने का जो उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ वो भोले शंकर जी के द्वारा प्राप्त हुआ। उन्होंने भगवान भोलेनाथ की आराधना किया, और भोलेनाथ की आराधना करने के पश्चात उन्हें जो वरदान प्राप्त हुआ वही पाणिनि संस्कृत के रूप में अष्टाध्यायी ग्रंथ के रूप में निकल कर के आए। तो उन्हीं भाषाओं में से हम जो हिंदी के अंतर्गत जिन वर्णों को लिया गया, हिंदी के अंतर्गत जिन भावों को लिया गया, हम केवल उतने का ही ग्रहण करते हैं।
तो मूल स्वर इसके हैं चार, ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, आ, ई, ऊ और री इसके मूल स्वर हैं, अर्थात इन्हीं स्वरों से बाकी सारे स्वरों का निर्माण हुआ है, इसीलिए चार क्या है, मूल स्वर है। फिर उसके बाद संधि स्वरों की बात आती है। संधि स्वरों में सबसे पहले दीर्घ स्वर आते हैं। दीर्घ स्वर क्या है, आ, आ का निर्माण ह्रस्व आयु दीर्घा से दोनों हुआ है, ई का निर्माण ह्रस्व आयु दीर्घ दोनों हुआ है, और ऊ का निर्माण ह्रस्व आ और दीर्घ ऊ से ह्रस्व ऊ से हुआ है, अर्थात दो समान स्वर आपस में मिल गए हैं तब इन तीनों वर्णों का निर्माण हुआ है। आ और आग मिलकर के दीर्घा बनाया है, ई और ई मिलकर के दीर्घी बनाई है, ऊ और ऊ मिलकर के दीर्घ बनाया, यानी दीर्घ स्वरों में समान वर्णों का निर्माण हो रहा है, समान स्वर वर्णों के बीच से समान वर्णों का निर्माण हो रहा है। और वहीं पर संयुक्त स्वर में दोस्तों ए ऐ ओ औ ये चार संयुक्त स्वर हैं और इनका निर्माण दो अलग अलग स्वरों से हो रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों ए का निर्माण आ और ई से हो रहा है, ऐ का निर्माण आ और ए से हो रहा है, ओ का निर्माण आ और ऊ से हो रहा है, वहीं पर औ का निर्माण आ और ओ से हो रहा है। आप ये व्यवस्था देख सकते हैं, एक बार फिर से देखेंगे दोस्तों, मूल स्वर कितने हैं, आ ई ऊ और री ये चार मूल स्वर हैं, दीर्घ स्वर हैं दीर्घ आ दीर्घ ई दीर्घ ऊ, और संयुक्त स्वर हैं ए ऐ ओ औ। अब इन्हें संयुक्त स्वर क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इनका निर्माण दो अलग अलग ध्वनियों से हुआ है, दो अलग अलग स्वरों के मेल से हुआ है, इसीलिए इनको संयुक्त स्वर कहा जाता है। बात स्पष्ट है दोस्तों, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों, कहते हैं कुछ किताबों में अंग और आह को भी स्वरों के साथ गिना जाता है, तो दोस्तों अंग और आह को यानी अनुस्वार और विसर्ग को स्वर नहीं मानते हैं। अनुस्वार और विसर्ग को क्या है, स्वर नहीं मानते हैं, क्यों, क्योंकि इनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता है। अब अगर आप देखें दोस्तों यहां से मैं जो आ इसमें लिखा हुआ था उसको मैं हटा देता हूं, तो अब ये अनुस्वार और ये विसर्ग है, क्या आप इन दोनों चिन्हों का उच्चारण कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये स्वर नहीं है और इसीलिए इनकी गिनती स्वरों के साथ नहीं होती है। परंतु इन्हें अयोगवाह क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये स्वर, ये जो दोनों चिन्ह हैं, ये दोनों जो ध्वनियाँ हैं जो चिन्ह हैं, इन चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं लेकिन ये कभी भी स्वर या व्यंजनों के साथ जुड़ते नहीं हैं, स्वतंत्र रूप से अलग से दिखाई देते हैं स्वर व्यंजनों के साथ, इसीलिए इनको अयोग यानी जो बिना जोड़े हुए हैं लेकिन फिर भी अर्थों का वहन करते हैं, इसलिए इनको अयोगवाह कहा जाता है। या ये बात याद रखिएगा, अंग और आह को क्या कहा जाता है दोस्तों, अयोगवाह कहा जाता है। अब बात आती है दोस्तों, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं चार मूल स्वर और सात संधि स्वर, इस प्रकार मूल करके चार सात ग्यारह, तो मूल स्वरों के टोटल स्वरों की संख्या कुल कितनी है दोस्तों, ग्यारह है। स्वरों की संख्या कुल कितनी है, ग्यारह है, ये बात आपको दोस्तों याद रखनी है, तेरह नहीं है, एकदम कंठस्थ रखिएगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों, कहता है स्वरों के उच्चारण स्थान, आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, ई का उच्चारण स्थान क्या है, ताल, ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ, ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु, ओ औ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठोष्ठ, अब री का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, ये याद रखना है दोस्तों। आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, ई का तालु, ऊ का ओष्ठ, री का मूर्धा, ए ऐ का कंठ तालु, ओ औ का कंठोष्ठ, ऐसे आपको याद रखना है दोस्तों। यानी आपको ये चीजें याद रखनी है। अब याद कैसे होगी, आपको बैठ कर कंठस्थ नहीं करना, रटना नहीं है, बस आपको ध्यान देना है इन वर्णों का उच्चारण करते समय आपकी मुख की कौन सी स्थिति बनती है, आपके मुख में कौन सी दशा आकर के खड़ी होती है, उसी स्वरों का आपको उच्चारण यहाँ पर करना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप दोस्तों आ बोलिए, आप अ बोलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि कंठ जो जिह्वा का पिछला वाला भाग है वो भी शांत पड़ा हुआ है, पूरी जिह्वा शांत पड़ी हुई है, केवल कंठ से ही ये ध्वनि आकर के निकलती है, इसीलिए इसे इसका उच्चारण स्थान कंठ कहते हैं। जब आप ई बोलते हैं तो आप देखते होंगे जिह्वा का जो ये बीच का भाग है ये ऊपर तालु को स्पर्श करता है, इसीलिए ई का उच्चारण स्थान तालु हो जाता है और ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। आप जरा ऊ बोलते हैं, देखिए दोस्तों ऊ के बोलते समय आपके ओंठ गोला गोला रूप बना लेते हैं, इसीलिए ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ हो जाता है। वहीं पर ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, कंठ तालु, और ओ औ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठोष्ठ। तो ये बात दोस्तों आपको याद करके, ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं। अब बात आती है उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के भेद, यानी एक स्वर के उच्चारण में कितना समय लगता है
ये निपण करता है उसके भेद में काल के, क्योंकि इसके इधर पर तीन भाग बनाए गए हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लतु स्वर। कहा गया है दोस्तों, भाषा वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमें एक 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 पलक झपकने में जितना समय लगता है, उतना ही समय एक ह्रस्व स्वर के उच्चारण काल में लगता है। तो अब आ, ई, उ और री, इनका उच्चारण करने में हमें एक पलक झपकने का समय लगता है, इसीलिए इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जबकि हमें दीर्घ स्वरों को के उच्चारण काल में इससे दो गुना समय लगता है, इसलिए इनको दीर्घ स्वर कहते हैं। वहीं पर प्लुत स्वर ह्रस्व स्वर के दो गुने समय से भी ज़्यादा समय लिया जाता है, इसीलिए इनको प्लुत स्वर कहते हैं। अब बात यह आती है कि कितना समय मान लें एक पलक झपकने का। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, समय की व्यवहार की सबसे छोटी इकाई आपके पास केवल सेकेंड है, और इसलिए सेकेंड है इसलिए आप ह्रस्व स्वर का उच्चारण काल 1 सेकंड मान सकते हैं, दीर्घ स्वर का उच्चारण काल 2 सेकंड मान सकते हैं, और प्लुत स्वर का उच्चारण काल आप 2 सेकंड से ज़्यादा का मान सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, आप इस व्यवस्था का अनुपालन करके आप उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के भेद और उनमें कौन कौन से स्वर कहाँ कहाँ आ रहे हैं, इनको भी आप जान सकते हैं। बात स्पष्ट हो गई दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ। नमस्कार।